हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेट एंड पावर टूल्स। ये PH-65 मशीन है, तो ये चिंगारी कर रही है। वो तो चला के देख, ये चिंगारी कर रही है। ये चिंगारी दूर करने के लिए इसकी फील्ड ख़राब है और इसे हम फील्ड को चेंज करेंगे। तो फील्ड को चेंज करने के लिए हमें ये दो पेंच ये खोलने हैं, कार्बन वाले दो पेंच इसके पलटने, कार्बन वाले पेंच खोलने हैं और हैंडल के पेंच खोलने हैं, ये सब पेंच खोलने हैं। तो चलिए पहले खोल कर देखते हैं। एलन की मदद से हम ये पेंच खोल लेते हैं। देखिए हमारे सारे पेंच खुल चुके हैं। अब हम इस ढक्कन को पेंच का हथौड़ी की मदद से निकालेंगे। वह दी हुई होती है, ये हमें यहाँ पे पुश करेंगे हल्के हल्के पेंच का हथौड़ी की मदद से। ये हमारा ढक्कन आराम से निकालने के लिए दो पेचकस लेंगे, दो पेचकस लेके और हम इसको इस तरीके से उठाएंगे। इस तरीके से दो पेचकस डालेंगे और इसे उठाएंगे। ये आसानी से हमारा निकल जाता है। और आर्मेचर को निकालने के लिए हम, ये निकला हमारा
आर्मेचर को निकालने के लिए हम इसके पीछे भी ये दो पेंच खोलेंगे। हमारे दोनों पेज खुल गए हैं। यहाँ पे हम इसके बीच सेंटर में एक छेद करेंगे। ड्रिल मशीन की मदद से हम यहाँ पर एक बीच में छेद करेंगे जो हम इसको आर्मेचर को पीछे को ठोंक कर निकाल सकें। बीच सेंटर में हमें छेद करना है। मशीन की मदद से हमें यहाँ पे बीच में छेद करना है। हम एक छेद कर लेते हैं। ये हमारा छेद आसानी से हो जाता है। देखिए गाइस, हमारा छेद हो चुका है। अब हम इसे ठोक कर पीछे को ठोक कर निकालेंगे। एक सुम्बी नुमा पेच कस लेंगे और इसे पीछे से ठोक कर निकाल देंगे। ये हम पेच कर नोक वाले पेच कस की मदद से से निकाल लेंगे। हथौड़ी के ठोकेंगे और हमारा आर्मेचर आसानी से निकल आएगा। देखिए गाइस, हमारा आर्मेचर आसानी से निकल आया है। अब हम इसे पिंचेस की मदद से उठा लेंगे। हम इसे पेचकस की मदद से आसानी से इस तरीके से उठा लेंगे। ये हमारा आर्मेचर निकल के आ गया है। आर्मेचर में हमारे दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। हमारी कॉइल ओवर वोल्टेज देने लगी है और कॉइल ख़राब हो गई है। ओवर वोल्टेज की वजह से ये देखिए कॉइल ख़राब हो गई है। इस कॉइल को हम चेंज करेंगे। तो ये दोनों पेच खोल लेंगे और इसके अंदर के ये दो छल्ले हैं ये स्प्रिंग भी निकाल लेंगे। पेचकस की मदद से दोनों छल्लों को निकाल देंगे और इस तरीके से हम फील्ड को उठा लेंगे। ये हमारी फील्ड निकल चुकी है। ये हमारी देखिए नई PH-65 की फील्ड है। ये PH-65 मशीन होती है और ये हम फील्ड को नई फील्ड है। नई फील्ड को हम इसमें लगाएंगे। फिर हमने फील्ड निकाली है, उस तरीके से हम फील्ड को डालेंगे। पहले तार डालेंगे, उसके बाद में फील्ड को सेंटर देख के बिठा देंगे। फील्ड हमारी पड़ चुकी है तैयार हो करने के लिए। हम इसे इसके दोनों पेच लगाएंगे। दोनों पेच लगाकर ठीक तरीके से टाइट कर देंगे। फील्ड हमारी पढ़ के तैयार हो चुकी है। हम इसके स्प्रिंग लगा देते हैं। स्प्रिंग भी हमारे लग चुके हैं। फैन कवर लगाकर हम मशीन को चला कर देखेंगे। आर्मेचर लगाएंगे। हथौड़ी की मदद से इस तरीके से ठोक देंगे। IG प्लेट लगाएंगे और इसे पैक करके दो पेंचों पे चला के देखेंगे। पहले चेक करने के लिए चला कर देखेंगे। पूरी तरह से पैक करने से पहले दो पेंचों पर इसे हम
चेक कर कर चला कर देखेंगे। एक पेंच साइड कस लेंगे, एक पेंच को इस साइड कस कर कार्बन लगाकर अब चला कर देखेंगे हम। हमारे कनेक्शन हो चुके हैं, अब हम इसे चला कर देखते हैं चिंगारी हमारी निकलती है या नहीं। कार्बन हमारे पड़ चुके हैं, अब हम इसे चला कर देखेंगे कि हमारी मशीन चिंगारी कर रही है या नहीं। देखिए बिल्कुल हमारी मशीन में चिंगारी नहीं है, हमारी मशीन में बिल्कुल चिंगारी नहीं है, और ये हमारी फील्ड ख़राब थी इसीलिए हमने इसे चेंज करा था। ठीक है, इसे हम अब पूरी तरीके से पैक कर देते हैं। देखिए गाइस मशीन हमारी तैयार हो चुकी है, हमने सारे पेंच कर दिए हैं, मशीन हमारी ये तैयार हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगे
तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।